बेच रहे हो? प्रचार करने के लिए। कहाँ कहाँ जाते हो प्रचार करने? ऑल इंडिया। ठंड में, बारिश में, धूप में, सब? बस घर से बाहर निकल के बस प्रचार करना है। बस बस बस, लोगों तक किताब पहुँचानी है। किताब भी पहुँचानी है और प्लस जहाँ रुकते हैं हम वहाँ लेडीज को समझाते भी है। क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति गौतम। ज्योति गौतम, ज्योति कब से बेच रहे हो ये सब? बाबा साहब का साहित्य और बाबा साहब का ये? और एक्चुअली 10 साल से भी ऊपर हो गए। कितने साल हो गए? 10 साल से भी ऊपर हो गए। अच्छा, क्यों बेचते हो? एक्चुअली सर हमें ये दिखाना, कि भगवान में भी, भगवान तो मूर्तियों में पाए जाते हैं लेकिन असलियत में किस इंसान ने हमारी मदद करी उसे आग उनकी प्रेरणा उनकी चीजों को हम आगे। क्या मदद की बाबा साहब ने आपकी? सर एक्चुअली सर हमारे बाबा साहब ने हमें आपको जब ये किताबें बेचते हो तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। बहुत से पूछते भी हैं कि क्या लिखा है, क्या है इसके अंदर, प्रेरणा पत्र विधान क्यों है, तो बताते भी हैं। अच्छा, पढ़ते भी हो कभी कभी ये किताबों को? सर कभी कभी पढ़ते हैं, अभी ये तो नहीं कह सकती कि पूरी पढ़ती हूँ, कभी कभी जब मन करता है पढ़ लेती हूँ। अच्छा, कहाँ कहाँ जाते हो बेचने? सर हर जगह जाते हैं, जहाँ भी प्रोग्राम होता है। 365 दिन बेचते हो? हाँ जी, जम्मू कश्मीर तक भी जाना पड़ता है। जम्मू कश्मीर तक भी जाते हो? तो बहुत सारी किताबें बेचते हो गए? हाँ जी, बहुत सारी किताबें। चलो ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना गौतम है। मीना गौतम, ये कब से बेच रहे हो बाबा साहब का साहित्य? हमें करीब 20 साल हो गए इसको। अच्छा, कैसे कैसे मन में आया कि बाबा साहब ने किताबें पोस्टर बेचनी है? हमारे लिए ऐसे मन में आया कि हम किसी दुर्गी देवता का अपने घर में लगाते थे और हमारे बाबा साहब का पोस्टर इधर उधर हमने कहीं उड़ता हुआ देख लिया तो उनकी कदर नहीं हो रही, तो हमने अपने घर से घर में लगाया बाबा साहब का पोस्टर। अच्छा, तो और देवी देवता का हमने बाहर निकाल के फेंक दिया। अच्छा, क्योंकि सब कुछ तो हमें बाबा साहब ने दिया है, बोलना, पढ़ना, लिखना, वोट का अधिकार, सब पूरा अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है, तो हम किसी को क्यों माने। तो ये आप इतनी ठंड में यहाँ बेचते हो, कैसा लगता है आपको लोगों तक किताब पहुँचाना? हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हमें ये नहीं लगता कि कुछ बचे या न बचे, हमें अच्छा लगता है कि लोगों के घर में साहित्य पहुँचे, पोस्टर पहुँचे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? हम जिला अलीगढ़ के रहने वाले हैं, गाँव। और कहाँ कहाँ तक जाते हो बेचने? हम इधर मद्रास में भी जाते हैं, चेन्नई में, और पूरे भारत में। पूरे भारत में जहाँ हमें पता पड़ जाती है वहाँ जाते हैं, जा सकते हैं तो वहाँ तक जाते ही हैं। अच्छा अच्छा, चलो। कुछ कठिनाई आती है आपको जब आप पेचे जाते हो तो? बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे ट्रेन में एक बार बैठ जाएं तो खाना कहाँ से खाएंगे, और यहाँ पर एक साथ तो अपना आमदनी ज्यादा नहीं होती? नहीं, इसमें आमदनी ज्यादा नहीं होती। हमारा एक ये लक्ष्य है कि बाबा साहब का साहित्य और पोस्टर घर घर पहुँचे। चाहे भूखा रहना पड़े, भूखा रहना पड़े और प्यासा भी रहना पड़े, रहते हैं और हम। चलो, अच्छा लगता है आपको? हमको अच्छा लगता है। ठीक है, धन्यवाद। और इसी काम को करते हैं, दूसरा काम करते भी नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर फूलचंद। फूलचंद,
पूजन फूलचंद 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 जी। हाँ जी सर। कब से बेच रहे हो किताब है ये? सर ये तो ज्यादा दिन हुआ नहीं सर। कहाँ के रहने वाले हो? प्रतापगढ़। क्यों बेचते हो? सर बेचते हैं इसलिए कि हमारा जो गरीब है सब ले जाएंगे किताब तो उन्हें। आपको अच्छा लगता है उतक किताब पहुँचाना? बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा कहाँ कहाँ तक जाते हो बेचने? सर दिल्ली में, अभी तो दिल्ली में बेचते हैं। अभी दिल्ली में शुरू किए हो? जल्दी में शुरू किए हो अभी? हाँ जी सर। चलिए ठीक है, खूब बढ़ाओ आगे, खूब बेचो आगे। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहदास। क्या नाम है? रोहदास। रोहदास, आपको आंखों से दिखाई देता है? नहीं, मेरी घरवाली करती है। अच्छा, आपकी पत्नी है, आप आंखों से नहीं देख पाते? नहीं। अच्छा, तो ये किताबों का बेचने का काम आपकी पत्नी कब से कर रही है? वही 5-6 साल से कर रही है। अच्छा, कैसा लगता है आपको जब वो बेचती है किताबें? तो अच्छा लगता है, अपनी समाज का काम है, समाज में रहते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? अलीगढ़ के। अलीगढ़ के रहने वाले हो? मैं आपकी पत्नी का इंटरव्यू देता हूँ। क्या नाम है आपका? शिवानी गौतम। ये कब से बेच रहे हो आप किताबें? हो गए हमें 5-6 साल। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्यों बेच रहे हो? प्रचार करने के लिए। कहाँ कहाँ जाते हो प्रचार करने? ऑल इंडिया। ठंड में, बारिश में, धूप में, सब? बस घर से बाहर निकल के बस प्रचार करना है। बस बस बस, लोगों तक किताब पहुँचानी है। किताब भी पहुँचानी है और प्लस जहाँ रुकते हैं हम वहाँ लेडीज को समझाते भी है। अच्छा, कैडर भी लेते हो आप? प्रशिक्षण भी लेते हो आप? हाँ जी। ये तो बहुत बढ़िया काम करते हो। तो ये हमारी समाज को समझाने का ही काम है हमारा। अच्छा अच्छा, और इसके साथ साथ ये नहीं, जो घर पे बच्चे सीखने जान नहीं पाए ये क्या चीज है, हमने अपने बच्चों को इस तरह तैयार कर रहे हैं जो वो हिंदूवादियों में जो क्या होता नहीं होता उस चीज को उनके दिमाग में दिना ही नहीं। अच्छा अच्छा, आपको अच्छा लगता है? बहुत। चलिए ठीक है, धन्यवाद।